Assalamualaikum. आज हम आवाज के बारे में पढ़ेंगे. आवाज है क्या? आवाज एनर्जी की एक शक्ल है. एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहा जाता है. आवाज किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की या किसी जिस्म के थरथराने की वजह से पैदा होती है. अब वाइब्रेट क्या होता है? वाइब्रेट ये होता है कि अगर कोई जिस्म फर्ज करें कि ये एक किसी जिस्म का वास्ता है, अगर वो अपनी हरकत को इस वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार दोहराए तो कभी तो इसे हम कहते हैं कि जिस्म वाइब्रेट कर रहा है. और किसी जिस्म में आवाज कैसे पैदा होती है? किसी जिस्म के वाइब्रेट की माहियत और इशा आवाज पैदा कैसे होती है? आवाज किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है. और आवाज की साफ क्या है या आवाज सफर कैसे करती है? आवाज एक जगह से दूसरी जगह कंप्रेशनल वेव्स की वजह से सफर करती है. नंबर दो शिद्दत, नंबर तीन पिच, नंबर चार क्वालिटी, नंबर पांच म्यूजिक और शोर. आवाज की बुलंदी का इंसार तीन मामले पर होता है. नंबर एक एम्पलीट्यूड, नंबर दो सतही रकबा और नंबर तीन फासला. बैरूनी कान के हिस्से यानी कान की नोज से दाखिल होती है और एयर के ईयर के नाल की तरफ मुंतकिल हो जाती है और फिर ईयर ड्रम से टकराती है तो इसमें इसका मुतहरिक कर देती है यानी इसमें अटार पैदा कर देती है और फिर आवाज कान के दूसरे हिस्से यानी वस्ती कान में मुंतकिल होती है. वहां से हड्डियों से होती हुई कान अंदरूनी कान की तरफ जाती है और जो हड्डियां होती हैं वो बैरूनी वस्ती कान को अंदरूनी कान से जुदा करती हैं और उसके बाद कान जो है अगले हिस्से में मुंतकिल होता है जिसे कहते हैं कोक्लिया. कोक्लिया कान का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि आवाज के इसके अंदर बहुत से जली हुआ मादा होता है और बहुत से सीलिया होती हैं जो अपनी हरकत की वजह से आवाज को साफ करके ऑडिटरी नर्व की तरफ मुंतकिल करते हैं और ये ऑडिटरी नर्व जो होती हैं ये इस आवाज को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं. आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो हम ऐसी आवाजों को नहीं सुन सकते. हम वैसी आवाजों को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा और 20,000 से कम हो. ऐसी वेव्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. इन वेव्स को आजकल तिब्बी और सनती शोबों में इस्तेमाल किया जा रहा है. प्लस टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी. एस जो है वो फासला है जो कि बराबर है वी मल्टीप्लाइड बाई टी. वी है वेलोसिटी और टी वक्त. वेलोसिटी को जब हम वक्त से ज़रब देंगे तो हमें समुंदर की गहराई हासिल होगी. लैम्डा, यहाँ वी जो है वो आवाज की रफ्तार है. एफ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? से एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. अब लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं. वेवलेंथ एक क्रम से दूसरे क्रम तक या एक क्रम से दूसरे क्रम तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है. जब हम फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आवाज की स्पीड हासिल होगी. पर्टेटिंग जिस्म से पैदा होने वाली आवाज की वेव्स को किसी भी मीडियम या हवा की
जरूरत होती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कान के कितने हिस्से होते हैं? असलम का कान के तीन हिस्से होते हैं, अंदरूनी कान, वस्ती कान, बुरूनी कान। मेरा तीसरा सवाल है कि आवाज की पिच से क्या मुराद है? जैनब, आवाज की वो खुशियत जिसकी वजह से बारी और बारीक आवाज में फर्क किया जा सके उसे आवाज की पिच कहते हैं, और इसका आंसर फ्रीक्वेंसी पर होता है। आवाज की शिद्दत का यूनिट बताइए। आवाज की शिद्दत का यूनिट वाट फी मुरब्बा मीटर होता है। आप मुझे बताइए कि आवाज की शिद्दत होती क्या है? निम्रा, आवाज के सिमत के अमूदर रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी को आवाज की शिद्दत कहते हैं। एक अल्ट्रासोनिक वेव्स एक तरीके से तमाम उसके इस्तेमाल करती है दुबई और सन की शोभा में, और दरिया की गहराई मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और तरीका होता है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। राकेश, मुख्तलि तरह के जब बैरी जहाज होते हैं उनमें जब मुख्तलि तरह की दरारें आ जाती हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव को उनके अंदर भेजकर इसके मौजूदगी का पता लगाया जाता है। आप मुझे बताइए कि कान की कितनी हड्डियां होती हैं? आप कान की तीन हड्डियां होती हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है।